हैं जो रोहतासगढ़ किला के काफी समीप, जहां पानी संभव नहीं था, वहां भोजन और रात्रि विश्राम की व्यवस्था आपने कर दी, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद कि आप लोग मेरे आमंत्रण पर यहाँ पधारे, ठीक है। और कहना यही है कि इस एरिया में इस बुनियादी व्यवस्था की बहुत ज़रूरत है। हमारा व्यक्तिगत हैसियत इससे ज़्यादा नहीं है, इतना किए बहुत किए, सरकार से आप लोगों के माध्यम से रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ बहुत लोग आते हैं और उनको कोई भी बुनियादी व्यवस्था मिल नहीं पाती है। पानी का अभाव है, बिजली का अभाव, अब अंधेरा हो रहा है, कोई भी व्यवस्था यहाँ नहीं है, रात में रहने की बहुत तकलीफ़ होती है। तो हम अपने स्तर से जितना हो सकता है हल करने का प्रयास किए हैं, लेकिन व्यक्तिगत लोगों की एक सीमा होती है। आप लोगों के माध्यम से सरकार से ही निवेदन करते हैं कि यहाँ व्यवस्था बढ़ाए और लोगों को आप लोगों के माध्यम से और मेरे जैसे जो लोग सक्षम हैं, थोड़ी सी भी सक्षम हैं, यहाँ आएँ और कुछ पूंजी इन्वेस्ट करें और बुनियादी व्यवस्था बढ़ाने में मदद करें। इससे पर्यटन का बढ़ावा मिलेगा और रोहतास गिड़ा किला में इतनी क्षमता है कि पूरे रोहतास जिला को रोजगार दे सकता है। सबसे पहले कब आपके मन में विचार आया कि यहाँ रात्रि विश्राम का व्यवस्था किया जाए, रिसोर्ट की व्यवस्था की जाए, और आपको कभी नहीं लगा कि हमें आर्थिक नुकसान होगा या इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं और हमें उसमें असफलता भी मिल सकती है? नो डाउट, यहाँ आर्थिक नुकसान जितना हुआ है और हो रहा है हम बता नहीं सकते हैं। एक सुई घटती है तो एक मजदूरी पर आदमी ठीक करके रोहतास भेजना पड़ता है और 2 दिन समय मरता है उसमें, ठीक है। नेटवर्क नहीं है, कोई सूचना नहीं मिल पाती है, तो निश्चित तौर पे जेहन में तो बहुत पहले से था, लेकिन पहले से उस तरह की कैपेसिटी डेवलप नहीं हो पाई थी और बीच में नक्सलवाद बहुत बढ़ गया था, तो हम लोग लगभग पलायन कर चुके थे। लेकिन हम जानते हैं, बचपन से यहाँ रहे हैं, यहाँ मेरा जन्म स्थान है, हम जानते हैं कि यहाँ क्षमता बहुत है, लोगों को आगे आने की ज़रूरत है। और निश्चित तौर पे कोई ना कोई, हम ये सोचे, मेरे जहन में ये आया कि कोई ना कोई को तो आगे आना होगा और बाहरी लोग इतना रिस्क लेंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है कभी ना कभी यहाँ के स्थानीय लोगों को आगे आना होगा। और स्थानीय लोग सब लोग इतनी हालात लाने में भी पूरी तरह सक्षम शायद नहीं हैं, हम भी कर रहे हैं तो बहुत हिम्मत जुटा कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों के माध्यम से रिक्वेस्ट है सब लोगों को, जो सक्षम है वो यहाँ आए, जागरूकता फैलाएं, अपने स्तर से प्रचार करें कि यहाँ टूरिज्म की ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था तभी मिल पाएगी जब आप बुनियादी व्यवस्था बढ़ाइए। अभी आपके मोराल को आपके इष्ट मित्र दोस्त और ग्रामीणों में जो सहयोग मिल रहा है उनके लिए आप क्या कहेंगे? हमारी पूंजी हमारे मित्र ही हैं, हम मित्र ही के बल पे इतना कोई भी रिस्क ले लेते हैं और कोई हम ऐसा अपने मित्रों का नाम लीजिए। अपने मित्र हमारे जस्ट बगल में अजय पालवान है, हमारा भगिना महेंद्र, दिन रात साथ ही मतलब हर परिस्थिति में साथ रहने वाला महेंद्र है, मेरा भगिना ये सुरेंद्र है, ये लोग मेरे भगिना है लेकिन मेरे सबसे करीब मित्र हैं। रितेश है, राजेश जी हैं, अजय यादव कलेक्टर, यदि देखिए हमारे एक ये पे मतलब एक निमंत्रण पे इतना ज़्यादा मेहनत किए हैं बता नहीं सकते हैं। हमारे सजाद खान है, सुरेंद्र जी हैं और विकास है, हमारे सभी मित्र हमारे दिन रात साथ रहने वाले में से हमारे नीरज जी, हमारे श्रीकांत प्रमुख, उप प्रमुख यहाँ कर रहे हैं, जिनका नाम ले रहे हैं वो सब आपको देखेंगे जो मैं अब सारे लोग देखें। ये 12 बजे रात में कहीं आप हमको बुलाइएगा कहीं भी, तो निश्चित तौर पे हम लोग इतना जो बता रहे हैं और टीम कहीं साथ ही मिलेंगे आपको। आज भी देखेंगे टीवी पे नहीं, सब जिनके नाम हम ले रहे हैं सब मेरे अगल बगल हैं। आपके चेहरे की मुस्कान बता रहे हैं कि आपके पीछे मित्रों की लंबी फौज है और आपके मोराल कभी नीचे नहीं होने। नो डाउट मेरे कॉन्फिडेंट के रीजन है ये हमारे मित्र, ठीक है। ये मेरे कॉन्फिडेंट, आत्मबल ही आदमी को मजबूत करता है और रास्ते को प्रशस्त भी करता है। इसमें कोई दो मत नहीं, हम जानते हैं कि असली पूंजी मित्र ही होते हैं, इससे बड़ा पूंजी कोई किसी के पास नहीं होता। और अगर मित्र माने मित्रता के दृष्टिकोण से परिभाषा दिया जाए अमीरी का, तो हम लगता है बहुत अमीर है। रोहतास दर्पण उस मित्र में एक आप भी हैं जो कि सुबह से आकर लगे हुए हैं, पत्रकारिता करना होता तो अभी आते। थैंक यू। रोहतास दर्पण के दर्शकों के लिए क्या कहेंगे? आइए रोहतासगढ़ और यहाँ हमारे रिसोर्ट में रहिए, यहाँ घूमिए, ठीक है, यहाँ के लोगों को प्रमोट कीजिए। और एक रिक्वेस्ट सभी लोगों से है कि
जैसे जितना हो सके, यहाँ का के लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। एक हम प्लान ला रहे हैं कि यहाँ के शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बच्चों को मदद किया जाए, तो अगर आप अगर सक्षम हैं तो यहाँ के बच्चों को शिक्षा दिलाने में कुछ मदद कीजिए और संपर्क बनाइए हमसे। हमारा रोहतासगढ़ फाउंडेशन है और उससे संपर्क बनाइए, हम आपको ट्रैक देंगे, कोई बच्चा देंगे कि जो आपका जितना सक्षम होगा बच्चा देंगे, या अगर कोई साड़ी के लिए तरस रहा है। हम व्यक्तिगत तौर पे सबको हेल्प नहीं कर सकते, ईश्वर हमको उतना सक्षम नहीं बनाया है कि सारी समस्या को मैं अकेले दूर कर दूँ, तो इसलिए आपसे सहयोग की उम्मीद करते हैं कि आप जितना हो सके आप भी कीजिए। थैंक यू मेरे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी मित्रों को। छोटन भाई।